क्या भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकता है? जवाब है हां। थोड़ी सावधानी और आपसी सामंजस्य टीम वर्क के चलते हम न सिर्फ इस जंग को जीत सकते हैं बल्कि जीत भी रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से कुछ डॉक्टर्स और कुछ राज्यों के प्रयास से भारत ये जंग जीत रहा है, एक ऐसे वक्त जहां दुनिया में इस मुद्दे को लेकर हाहाकार है। देखिए किस तरह से न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर पूरी तरह से खाली है। देखिए किस तरह से चीन में, जो कि इसका एपिसेंटर माना जाता है, वहां पर सड़कें खाली हैं। एक मायूसी, एक शमशान घाट जैसी मायूसी छाई हुई है। देखिए किस तरह से स्पेन में लोग अपने हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो अब तक इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं अपने निजी नुकसान के तौर पर। देखिए किस तरह से इटली में लोग अपने हौसलों को बुलंद रख रहे हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, इसलिए वो सब अपने छतों पर बाहर आते हैं एक साथ और गाना गाते हैं। भारत में इस वक्त हालात इतने गंभीर नहीं हैं, मगर ये हालात गंभीर हो भी सकते हैं। ऐसे में हमारे सामने कुछ मिसालें हैं जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैं आपके सामने दक्षिण कोरिया के रहस्यमयी पेशेंट नंबर 31 की भी बात करूंगा। ये पेशेंट नंबर 31 कौन है, ये आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे भारत ने किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान की। राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों का इलाज किया। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो या तीन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों का समावेश किया। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने आपके स्क्रीन्स पर लोपोनोवीर और रिटोनोवीर ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इनका आमतौर पर इस्तेमाल एड्स के इलाज के दूसरे दौर में होता है। इनका इस्तेमाल मलेरिया और स्वाइन फ्लू के इलाज में ली जाने वाली दवाओं के साथ हुआ। नतीजा यह है कि यह दावा किया जा रहा है कि जो पेशेंट्स, जिनमें दो इतालवी थे, 69 वर्षीय महिला और 70 वर्षीय पुरुष, इन दोनों का इलाज हो गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं। न्यूज क्लिक में हमने बात की डॉक्टर सुधीर भंडारी से, जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं। और मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि इन्होंने जो अलग अलग बीमारियों के ड्रग्स या दवाइयों का इस्तेमाल किया, इसके पीछे दरअसल सोच क्या थी। मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट द ड्रग्स, यू शुड टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल। बिकॉज क्या होता है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्प्रेड होती है। इट इज जस्ट ए बिगनिंग ऑफ अवर एक्सपीरियंस that whenever a patient came to us, our intention was to make the patient comfortable, to treat the patient, और अगर हम इस viral trauma और viral replication को control कर पाएं, so इसीलिए when patient came to us, we have one of the in country's best tertiary care medical college hospital and with the best of talent, so we made a strategy to give a supportive treatment to the patient, we gave a strategy to give the medical treatment as per the culture और उसको हम देने का strategy बनाया। और फिर हमने सोचा कि virus की growth को बढ़ाने के कम करने के लिए और virus के number को कम करने के लिए हमें कुछ antiviral drugs भी use करना चाहिए। And हमने literature check किया कि this coronavirus एक तरह का जो पहले आ चुका था SARS और MERS जो कि middle east viral disease है, उसी तरह का है। So हमने एक combination of antiviral drugs को choose किया। इवन एंटी मलेरियल ड्रग भी 10 ट्रायल्स चल रही है, जिसमें वायरस की ग्रोथ को और वायरस की प्रोटीन से अटैचमेंट को ब्लॉक करना प्रूव हुआ है। और ऑसिल्टावेर एक ऐसी ड्रग है जो हम ऑलरेडी स्वाइन फ्लू में यूज कर रहे थे। नाउ बेस्ड ए प्रोटोकॉल कि हम इन ड्रग्स को दो हफ्ते तक यूज करें, पेशेंट को उसके बारे में एक्सप्लेन करके कंसेंट ले लें और क्लोजली मॉनिटर हमने इस ड्रग को किया। लकीली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। आपको बताएं, ये एंटीवायरल ड्रग्स इतनी सेफ है कि प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है। तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया जो कि एज पर लिटरेचर था कि जो सार्स है, मर्स है और कोरोना, जो एक ही ग्रुप के वायरसेस है, इनके वायरसेस के नंबर ग्रोथ को ये ड्रग्स कम करती है। तो इट जस्ट बिगनिंग, ये बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ हमारा ऑब्जर्वेशन है। बट आप देखिए हाउ लकी वी आर, अलॉन्ग विद द बेस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ सुपरविजन और बेस्ट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, हमारे पहले तीनों पेशेंट कोरोना नेगेटिव हो गए
और उसमें नंबर टू और नंबर थ्री पेशेंट तो सीनियर सिटीजन थे, वो 69 ईयर्स और 85 ईयर्स के थे। एक पेशेंट के तो लंग की डिजीज है, दूसरे पेशेंट में किडनी खराब है। तो जब सीनियर सिटीजन होते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, तो उसमें रिस्क बहुत अधिक रहती है। बट हमने प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स किया और प्रोबेबली वी आर वेरी लकी कि आज ही वो दोनों पेशेंट भी फर्स्ट पेशेंट के अलावा कोरोना नेगेटिव हो गए। सो आई थिंक इट इज अ गुड बिगनिंग। वी हैव शेयर्ड विद ICMR, दे अप्रूव्ड अवर, हमारे प्रोटोकॉल को उन्होंने अप्रूव किया है, एंड आई एम श्योर अवर फ्रेटर्निटी से जब हम शेयर करेंगे, सो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। डॉक्टर भंडारी से मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या सही मायनों में प्रिवेंशन ही क्योर है, यानी कि सावधानी बरती जानी चाहिए? अभी भी मैं कहूंगा कि इस कोरोना वायरस की सिचुएशन को रोकने के लिए वी नीड टू हैव प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी वेरी स्ट्रॉन्ग, और फॉर्चुनेटली हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हमारे स्टेट में विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट ऑफ डॉक्टर्स, इतना स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है हमारे कंट्री स्टेट में। राजस्थान में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं, तो अगर कोई केस होता है, कोई सस्पेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पूरा ट्रैकिंग करते हैं, पूरा सर्विलेंस करते हैं, जो कॉन्टेक्ट पेशेंट्स होते हैं उनको हम पूरा स्क्रीन करते हैं, हाउस टू हाउस मैसेज कन्वे करते हैं, स्क्रीनिंग होता है। सो हमारा सर्विलेंस हमारे स्टेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सपोर्टेड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकअप। सो इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन वी हैव इन अवर स्टेट। तीसरा सवाल मैंने उनसे ये किया कि क्या ये जो इलाज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हुआ है, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में, क्या ये इलाज देश भर में लागू किया जा सकता है? क्या ये पुख्ता तौर पर इलाज के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट दैट्स अ रीजन ये इतनी सेफ और अच्छी ड्रग्स हैं कि इसका बॉटम लाइन ये है कि ये वायरस के बढ़ने की गति को रोकता है, वायरस के नंबर को कम करता है। जब वायरस की गति और बढ़ने को हम कंट्रोल कर लेंगे तो ऑब्वियसली वायरस से डैमेज कम होगा। तो राजस्थान का ये हॉस्पिटल रास्ता दिखा रहा है। मैंने बात की राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह से। उनसे यह पूछना बहुत जरूरी है कि देखिए, भारत के जो हालात हैं ना, वो इटली स्पेन से अलग हैं, क्योंकि भारत में हमारी जनसंख्या बेतहाशा है, हमारे यहां गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए जो इलाज इस वक्त जयपुर में दिया जा रहा है, क्या वो देश का गरीब व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? क्या कहा रोहित कुमार सिंह ने, आप खुद सुनिए। मेरे ख्याल लगभग 1600-1700 रुपए में इसके 50 गोलियों का वो आता है पैकेट, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। पर ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उनको एक फाइनल इस बारे में कॉल लेना होगा कि क्या इसको हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हमें भी एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं रोहित जी, कि ये एक तरह से इसका इलाज है, या अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? जो ICMR के सहयोग से पब्लिश स्टडी है, जो मैंने भी पढ़ी कल, उसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कोरोना वायरस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट टू मेक इट वाइड, मतलब पब्लिक को वाइडली ये अवेलेबल हो, उसके पहले हमें कुछ जो सरकार के रेगुलेशन के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दूर नहीं है उसके, इस ट्रीटमेंट की लाइन को पब्लिक में ले जाने के। अगर केंद्रीय संस्थाएं थोड़ा इस पे त्वरित गति से एक्शन लें, तो मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है। इस वक्त भारत में कोरोना वायरस से ग्रसित सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर केरल है, मगर केरल ने इसका सामना बखूबी किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि केरल ने वो कौन से 10 कदम उठाए जिसके चलते वो आज की तारीख में इसका सामना करने को तैयार हैं। आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से मैं कदम रखना चाहूंगा। कदम नंबर एक, केरल के अंदर प्रवेश की जाने वाली तमाम जो ट्रेन्स हैं या बसेस हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, यानी कि उन्हें रोग मुक्त किया जा रहा है। तमाम जो लोग उस ट्रेन्स में बैठे हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत अहम कदम है। कदम नंबर दो, अपने हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी। जैसी ये खबर सामने उभर कर आने लगी कि किस तरह से चीन में ये एक महामारी का रूप अख्तियार कर चुका है, और चीन से तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और उससे बीमारी जो है दुनिया भर में फैल रही है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट कर दिया,
और यह अपने आप में एक बहुत ही कारगर कदम साबित हुआ। कदम नंबर 3, संपर्क में आए लोगों की पहचान। जैसे ही पता चला कि कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो उसे अलग थलग कर दिया गया। यही नहीं, इसे एक राजकीय आपदा के तौर पर भी घोषित कर दिया गया और यह भी कड़ी चेतावनी दी गई कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन पाता दिखेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कदम नंबर 4, जनता को जागरूक बनाना। लोगों से कहा गया कि वो सार्वजनिक स्थलों पर जब तक जरूरी ना हो तब तक ना जाएं। शिक्षा कॉलेजेस को कहा गया कि वो शिक्षा टूर्स को स्थगित कर दें। यही नहीं, सभी स्कूलों में छात्रों को मास्क पहनने, छींकने खांसने के दौरान रुमाल से मुंह अच्छी तरह से ढकने और साबुन से हाथ धोते रहने जैसे कदमों के बारे में बताया गया। कदम नंबर 5, प्रोटोकॉल के सख्त नियम अपनाए गए। सभी जो हॉस्पिटल्स हैं या लैब्स हैं या क्लिनिक्स हैं उनके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल बनाए गए और सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस से कहा गया कि वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बंद कर दें। घरों और आइसोलेशन वार्ड्स में अलग रखे गए लोगों की काउंसलिंग के लिए मनोचिकित्सकों को लगाया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें इसके बारे में लोगों में अखबारों, मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स और वेबसाइट्स पर बड़े बड़े इश्तेहार दिए गए। इसके अलावा 28 दिनों तक लोगों को जो कि संक्रमित थे अलग थलग रखा गया, जबकि WHO ने महज 14 दिनों की अवधि तय की थी। कदम नंबर 7, चाइना से आने वाले या जो ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंफेक्टेड मरीज हैं वहां से आने वाले लोगों के पहुंचने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई, उसका इंतजार नहीं किया गया। केरल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल स्टाफ, स्थानीय निकाय सदस्य और डॉक्टर सिलेस त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए। 200 आइसोलेशन वार्ड्स तैयार करने के लिए सभी मेडिकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। कदम नंबर 8, अफवाहों पर लगाम। जी हां, बहुत जरूरी था यह बताना कि सही खबर क्या है और अफवाह क्या है, और इसके लिए केरल सरकार शुरू से ही काम करती दिखाई दी। कदम नंबर 9, आप जानते हैं कि केरल में नीपा वायरस से कई लोग मारे गए थे साल 2018 में, और यहां पर मैं आपको बता दूं मोर्टालिटी रेट जो है वो यानी कि मृत्यु दर 70% थी, और केरल के पास नीपा जैसी महामारी का तजुर्बा था और उन्होंने इसी तजुर्बे को कोरोना में भी अपनाया। केरल तैयार दिखा। इसके बाद जो निजी अस्पताल थे वो लगातार सक्रिय रहे। जी हां, निजी अस्पतालों ने लगातार लोगों की मदद की। यही नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक फिल्म आई थी केरला में जिसका नाम था वायरस, वो भी इस दौरान लोगों में खासी चर्चित रही क्योंकि वो लोगों को लगातार आगाह करती रही। और आखिरी कदम, केरल सरकार दिन में 2-2 समीक्षा बैठकें करती है। मैं आपको बता दूं केरल की स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, इनका नाम है के शैलजा। वो लगातार उन जिलों तक पहुंचती रही जहां कोरोना से संक्रमित मरीज थे। वो न सिर्फ वहां पर जो काम कर रहे मेडिकल कर्मियों से बातचीत करती रहती बल्कि वो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ दिन में 2 बार समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लेती रहती। तो हमारे सामने राजस्थान और केरल की मिसाल है, और इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खासे एक्टिव हुए। आप जानते हैं कि कल ही उन्होंने सार्क देशों के तमाम जो हेड्स थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने अपनी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहा, आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री के शब्दों में, The way ahead lies in collaboration, not confusion, preparation, not panic. We have to fight this battle together and we have to win it together. Our neighborhood collaboration should be a model for the world. News Chakra में अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण कोरिया के पेशेंट नंबर 31, मरीज नंबर 31 की। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में कोरोना की सबसे पहले मरीज जो सामने उभर कर आई थी वो थी 20 जनवरी 2020 को, जब एक महिला वुहान से सीधे उतरती हैं दक्षिण कोरिया। उसके बाद 29 मरीज और एक के बाद एक उभर कर आते हैं। इन सब पर दक्षिण कोरिया ने काबू पाया होता है, मगर फिर मरीज नंबर 31 सामने उभर कर आता है। और क्या आप जानते हैं कि यह मरीज नंबर 31 जिम्मेदार है दक्षिण कोरिया के अंदर 80% केसेस जो हैं कोरोना वायरस के उसके लिए। यह कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं,
ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हम भारतीयों के लिए भी एक मिसाल हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो मरीज नंबर 31 किस तरह से इसने दक्षिण कोरिया में बाकी लोगों की भी जान जोखिम में डाल दी। आपके सामने इस वक्त दक्षिण कोरिया का यह मानचित्र है और इसमें हम आपको एक शहर बता रहे हैं जिसका नाम है डाइगू। क्या आप जानते हैं कि डाइगू शहर के आसपास दक्षिण कोरिया के 80% मरीज हैं और इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, इसी पेशेंट नंबर 31 पर है। अब हम आपको बताने वाले हैं डाइगू सिटी और पेशेंट नंबर 31 के बीच का नाता। यह मरीज जनवरी 31 को गंगनम सियोल के सी क्लब जाता है, उसके बाद 6 फरवरी 10:30 इसका कार एक्सीडेंट होता है, इसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ पर्सनल आइटम्स लेने के लिए ये घर चले जाते हैं और उसके बाद वो शिनशियोंजी चर्च जाते हैं 9 फरवरी को और इसी दौरान उन्हें बुखार हो जाता है। बुखार के बावजूद 15 फरवरी को वो एक होटल में जाकर खाना खाते हैं और खाना ही नहीं खाते हैं बल्कि बूफे लंच खाते हैं और यहां पर उनके कई दोस्त उनके साथ होते हैं। ये बूफे लंच वहां पर एक स्थानीय होटल है जिसका नाम है क्वीन वेल होटल। फिर 16 फरवरी को इस बुखार के बावजूद वो चर्च जाते हैं, 17 फरवरी को एक पब्लिक क्लिनिक जाते हैं और यहां से उनका ट्रांसफर होता है डाइगू मेडिकल सेंटर पर और 18 फरवरी को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पेशेंट नंबर 31 कोरोना वायरस से ग्रसित है। यानी कि यह शख्स तमाम जगहों पर जाते रहे, चाहे चर्च हो, चाहे लंच खाने के लिए होटल्स हो। अब आपके सामने यह मैप, आप इस मैप में देख सकते हैं कि बीचों बीच डाइगू सिटी है, पास में ग्युंगबुक, उलसान, बुसान, ग्युंगहाम। अब इस मैप के हिसाब से दक्षिण कोरिया के 80% मरीज जो हैं इसी शहर के आसपास हैं। सियोल में भी मरीज हैं, ग्युंगाओ में भी मरीज हैं, चुंगनाम में भी मरीज हैं, मगर जो 80% मरीज हैं वो डाइगू सिटी के आसपास हैं, सिर्फ इस पेशेंट नंबर 31 की वजह से। अगर इस पेशेंट नंबर 31 ने सावधानी बरती होती तो शायद दक्षिण कोरिया में इतने ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से ना मारे जाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भी सावधानी बरतें, सरकार भी सावधानी बरते और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी सरकारें, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक भी काफी हद तक सावधानी बरती जा रही है। मगर आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने परिवार के लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं। जो लोग खांसते हैं उनसे 6 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि खांसने के बाद जो बूंदें निकलती हैं वो आपके ऊपर आ सकती हैं, लिहाजा उनसे 6 फीट की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आंखों, नाक और मुंह को न छुएं। अगर बीमार हों तो घर में रहें। अगर खांस रहे हों तो मुंह पर टिश्यू पेपर रखें, इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में डाल दें जिसका मुंह बंद हो। घर में हाथ की छूने वाली चीजों को लगातार डिसइंफेक्ट यानी स्प्रे से साफ करते रहें। बाहर से आए तो हाथ जरूर धोएं साबुन से। हाथ धोने के लिए सामान्य साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। आज न्यूज चक्र में कोरोना वायरस पर हमने आपको जो जो चीजें बताई है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत सामान्य चीजें हैं। इसे आप भी अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि आपको अस्पताल तक पहुंचने की नौबत आपकी कायदे से नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सरल उपाय हैं जिसका अनुसरण आप कर सकते हैं और आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें पूरा देश एकजुट हो, साथ उभर कर आए। हम सब राजनीति से ऊपर उठें, हम सब नफरत से ऊपर उठें और इसका सामना करें। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को, जो कि बहुत अहम है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।